से आपके प्रथम टेस्ट हैं, जो प्रथम परख हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी कक्षा 10 विज्ञान का ये आपके प्रथम परख का पेपर है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी प्रथम परख में प्रथम जो टेस्ट होने वाला है 22 अगस्त से, तो उसमें विज्ञान के पेपर में आपको यही पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 20 नंबर का आपके पेपर है, तो 20 में से 20 नंबर ये सारे बच्चों को लाना है। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प चयन कर कोष्टक में लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग है उसमें किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि उपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है। तो इसमें अम्लता दे रखा है, रेडियो धर्मिता दे रखा है, संक्षारण दे रखा है, और विकृत गंधिता दे रखा है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो आपको करना है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, और प्रश्न संख्या चार है कि श्वसन की प्रक्रिया है एक उपचयन अभिक्रिया जो उष्मा शोषी है, एक अपचयन अभिक्रिया जो उष्मा छेपी है, और एक संयोजन अभिक्रिया जो उष्मा शोषी है, और एक उपचयन अभिक्रिया जो उष्मा छेपी है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपचन की दवा है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन ही आपको इसमें लिखना है। छठा प्रश्न है ताजे दूध का पीएच मान है वो 6 होता है, जब दूध है वो दही में बदलता है तो इसका पीएच मान है वो कितना होगा, तो ये आपको बताना है। और सातवां प्रश्न भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि डेफोडिल के पौधे 6.0 से 6.5 पीएच मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो डेफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ की मिट्टी में मिलाना होगा। आठवां प्रश्न है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, उसका आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। और प्रश्न संख्या 10 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। और प्रश्न संख्या 11 है कि चिंटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है वो कौन सा होता है। और प्रश्न संख्या 12 है कि लार में मौजूद एंजाइम जो शर्करा मंड के पाचन में मदद करता है तो कौन सा एंजाइम है, उसका नाम बताना है। प्रश्न संख्या 13 है कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है तो स्पाइग्नोमैनोमीटर यानी सह ऑप्शन है वो आपका आने वाला है। और प्रश्न संख्या 14 है कि ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटित हो जाता है तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, बाया नीले या दया आलिंद या दया नीले। और प्रश्न संख्या 16 है कि अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 17 है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है तो वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है, तो नीला थोता और धोने का सोडा, खाने का सोडा और जिप्सम। और प्रश्न संख्या 19 है कि उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको लिखना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, और सभी बच्चों को 20 में से 20 नंबर है वो साइंस के पेपर में, साइंस के टेस्ट में लेकर आना है जो प्रथम परख है। और इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।